राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का गुरुवार को राजस्थान में चौथा दिन था। अब तक इस यात्रा से कोई भी अनहोनी या कोई भी असामाजिक वारदात सामने लगभग नहीं ही आई थी, लेकिन राजस्थान में रिकॉर्ड टूटता नजर आया। कोटा में यात्रा झालावाड़ रोड से गुजर रही थी कि सुबह करीब 7:30 बजे एक युवक चिल्लाता हुआ यात्रा की तरफ बढ़ा और खुद को आग लगाने का प्रयास किया। युवक भाजपा समर्थक बताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस दौरान मौजूद डिप्टी ने अपनी शर्ट उतारी और आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बीजेपी समर्थक ये युवक 4-5 दिनों से यात्रा रोकने का प्लान बना रहा था। जिस युवक ने खुद को आग लगाने का प्रयास किया उसका नाम कुलदीप शर्मा है, जिसकी उम्र 31 है और कोटा के बोरखेड़ा में रहता है। इस घटना के बाद टीम कुलदीप के यहाँ पहुंची तो घर वालों ने बताया कि अभी वो कहाँ है उसका कोई पता नहीं है। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कुलदीप के भाई को इस घटना के बारे में अंदाजा था, पर कुलदीप के भाई अभिलेश ने कहा कि वह राहुल गांधी के बार बार सावरकर की टिप्पणी से नाराज था। जब उसे पता चला कि राहुल गांधी की यात्रा कोटा शहर से आएगी तो करीब 4-5 दिन पहले ही उसने राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का पूरा प्लान बना लिया था। भाई ने बताया कि ये बात उसने मुझे और दोस्तों को भी बताई थी। इस पर सभी ने साथ होने से मना कर दिया था। उन्होंने बताया कि उसे रोकने की भी कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। इस पर गुरुवार सुबह जैसे ही यात्रा राजीव गांधी की प्रतिमा स्थल पर पहुंची तो उसने खुद को आग लगा दी। ये गनीमत रही कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। भाई ने बताया कि इस हादसे में उसका पैर झुलस गया है। फिलहाल इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी कुलदीप से पूछताछ कर रहे हैं। अभिलेश ने बताया कि यात्रा का विरोध करने को लेकर कुलदीप ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। कुलदीप ने हमसे भी कहा था कि राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने चलेंगे और यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हमने कहा कि जब पार्टी के कोई बड़े नेता और पदाधिकारी ही विरोध नहीं कर रहे तो अपना विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं कुलदीप कई बार राहुल की सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी से भी नाराज था। भाई ने बताया कि वह फार्मासिस्ट है और बीजेपी समर्थक भी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि परिवार के लोगों के समझाने के बाद भी वह नहीं माना था। इधर कुलदीप हाथ में माचिस लेकर और नारे लगाते हुए भीड़ में घुस गया। इस दौरान उसने खुद को आग भी लगा ली थी, लेकिन मौके पर मौजूद डिप्टी अंकित जैन ने अपनी शर्ट उतारी और आग पर काबू पाया।